एक गाय गौ माता जमदग्नि जी को, भरद्वाज जी को, वशिष्ठ जी को, आसिद जी को, गौतम जी को दे, पांच गाय पांच ऋषियों को प्रदान करी। और इन ऋषियों के पास जब ये गौ माता गई तो वो कामधेनु गाय थी। और मेरा निवेदन है जी, ये कामधेनु गाय है वो ऋषियों को देने का कारण इतना सा था कि इसका सदुपयोग हो। मेरा आप सबसे निवेदन है, गीता उसको दो जो सदुपयोग करे, गाय उस जगह पर उस ब्राह्मण को दो जो गाय गौ माता की पूजन करे। ऐसे ब्राह्मण को गाय मत दे देना कि गाय लेकर गया चांदी के खुर, सोने के सींग के चक्कर में ले गया, बाल्टी और कमंडल के चक्कर में ले गया, साड़ी के चक्कर में ले गया, और बाद में गौ माता ने जब तक दूध दिया बांध कर रखी, जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया उसको ले जाकर बेच दिया। बेचते 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 वो कसाई के हाथ में चली गई। और जिस दिन गाय कटी उस दिन ब्राह्मण को दोष नहीं लगा, दोष उसको लगा जिसने संकल्प लिया, गौदान का जिसने संकल्प लिया। और मेरा निवेदन हमेशा रहा, आज भी रहेगा, गौशाला में जितने भारत की भूमि पर गौशालाएं हैं, मेरा निवेदन है उन गौशालाओं में उतनी ही गाय होना चाहिए जितनी गौ माता की सेवा अच्छे से हो सके। केवल धन कमाने का स्रोत नहीं होना चाहिए, केवल संपदा कमाने का स्रोत नहीं कि गाय को ज्यादा बढ़ा लेंगे थोड़ा रुपया बाहर से आना चालू है, नहीं नहीं, धन कमाने का स्रोत गौशाला को नहीं बनाना। महाराज कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण के अंतर्गत कि कोई ब्राह्मण यदि मंदिर में आरती करता है, कोई ब्राह्मण आरती की थाली को घुमाता है, यदि जिस भगवान की आरती उतरती है और आरती हम जब लेते हैं उस थाली में जो हम रुपया चढ़ाते हैं वो ब्राह्मण उसका भोग नहीं कर सकता। शिव महापुराण कहती है उसका भोग ब्राह्मण नहीं कर सकता, उसका भोग केवल गौ माता ही कर सकती है, क्योंकि वो बलैया का रुपया रहता है। बलैया का मतलब तुम्हारी अला बला, जो भी बला है वो उस लेते समय, बलैया लेते समय उस जगह पर तुमने प्रदान कर दी, तो वो धन ब्राह्मण नहीं उसका भोग कर सकता। कोई गुरुजन, कोई साधुजन, कोई सन्यासी जन, कोई तपस्वी जन उसका भोग नहीं कर सकता, उसका भोग केवल गौ माता कर सकती है। केवल गरीब करे, गौ माता करे। किसी के करने के लायक, जैसे पहले भी कहा कि शंकर मंदिर पर चढ़ी हुई वस्तु, शिवजी के शिवलिंग पर लगी हुई वस्तु का भोग केवल बैरागी त्यागी जो जिन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपना कुटुंब छोड़ दिया, बैराग के जीवन जी रहे हैं, वो उसका भोग कर सकते हैं। हाँ यदि नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो उसका भोग आप करो, उसको लगी हुई वस्तु का भोग आप कर सकते हैं।